या भाई को या बेटे को या बेटी को या मामे को या चाचे को गोहर साहब या मैं हम लोग उस चांद की तरह हैं जिसकी रोशनी उस सूरज से आती है okay. वो सूरज इमरान खान है right. पिछले महीनों में प्राइम मिनिस्टर कौन था शरीफ शरीफ वहां पे पेट में दर्द होता है, वो जाके जाके उधर से लंदन पूछते थे कि यार था गोली कड़ी खाऊं मतलब प्राइम मिनिस्टर वो कर रहा है आप पार्टी की बातें उनसे पूछे आप बोलूंगा तो मुझे गायब होने के चांसेस काफी हैं लेकिन अगर मेरी जगह मुझसे ज्यादा सख्त लैंग्वेज में एक लॉयर बोलेगा तो उसके ऊपर सिर्फ ज्यादा ज्यादा पाबंदी आ जाएगी मेरे लिए वो गदा घोड़ा और शहजादा बनने के लिए मैं में चढ़ाकर बता रहा हूँ जो मुझे रोटी कपड़ा मकान स्कूल कॉलेज बिजली के बिल रेंटल नौकरी सब दे दे क्या कसूर नहीं है ना कि अगर आप दौड़ में अकेले खड़े हैं और फिर भी दो दूसरे नंबर पर आए थे और आपको को मुखिल भी नहीं है तो फिर मुझे तो सुरुाना बनाया ना वो पार्टियाँ जो इनका बड़ी पार्टियाँ कह रहे हैं वो दौड़ में अकेले भी हैं और फिर भी दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं नाजरीन आज बैरिस्टर गोर अली खान को पी टी आई का चेयरमैन मंतहब करने पर इतफाक राय हो गया इस पर सीनियर एंकर दल अब्बासी ने जब पूछा कि एक वकील को ही पार्टी का चेयरमैन मंतब क्यों किया गया इस पर पी टी आई के सनेटर हमायू महमद ने नून लीग के वो कल करतूत हुए कहा कि ये वो वजह है जिसकी बिना पर एक वकील को पार्टी का चेयरमैन मंतख किया गया है नाजरीन आए पहले इनकी गुफ्तु सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह मियाँ साहब को पाँच साल बाद रिलीफ मिल गया ये थोड़ी से बाद खान साहब के लिए भी ऐसा कोई रिलीफ दस्तियाब होगा मुझे सर आप बता दें ठीक है आपको मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है मैं नवाज शरीफ का उस वक्त का फैसला गलत मान लूँ

लेकिन आपने अब अच्छा है बुरा है इस फैसले पर तनकीद होती रहेगी लेकिन आपने मानना है अब इनके लिए यह मुसीबत है कि दो हजार अठारह में जिस चीज के लिए जिस चीज को यह सेलिब्रेट कर रहे थे अब उसको दूसरी पार्टी कह रही थी वो गलत फैसला है और इसमें ये फैसला जो है ऊपर से शुरू हुआ या नीचे से शुरू होना चाहिए था उस पर किसी ने यह बात नहीं उठाई मुझे फैसला था आपकी मौजूदगी से जरा यह फायदा उठाने आप टेक्निकल गुस्तगू से बाहर निकल के आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई खान साहब के लिए भी स्पेस क्रिएट होगी रिलीफ तो देखिए इस मुल्क के अंदर अभी जो आप पिछले पैसठ साल से देखते आ रहे हैं वो तो आया गया बंद हुआ जेल गया फलाना गया डाक, काला हुआ सफेद हुआ बेल हुई फांसी हो रही है उतर गया फलाना हो गया धमाका हो गया पैंतीस चालीस साल हम देख पैंसठ साल हम देख रहे हैं सत्तर साल से सत्तर अस्सी साल और सत्तर अलग अल्लाह को दुआ है इस मुल्क के ऊपर बट मेरा जो कहने का मकसद है कि आप जब बात करते हैं चेंज की हमने टू पार्टी सिस्टम तोड़ा था ठीक है हम उसकी पैदावार थे कि हम टू थर्टी फोर साल थे हमने तोड़कर दिखाया ठीक है लेकिन अगर आप उससे कहेंगे वी फेल्ड वी मिजरेबली फेल्ड ठीक है हमने फिर फिर हम टू पार्टी सिस्टम की तरफ चले गए हमने ऑप्शन जोड़ा हमें वो लड़ाई वो वैनम की जरूरत ही नहीं थी ना पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं थी आपने पाकिस्तान को और अंधेरों में धकेल दिया जब आपको पता था गलत फैसले के बाद जैसे आ रही है ये ये साप ये साप तो लोग रही जो हैं वो नौ मई के वाक्य से लेकर उससे पहले भी और नौ मई के वाकस से लेकर अभी तक हम बड़े सख्त सवाल करते हैं लेकिन ये लोग अपनी पार्टी को भी बचा रहे होते हैं मौजूदा हालात को भी समझ रहे होते हैं और कई दफा तो शायद इन लोगों पर इस बात पे तनकी हो रही होती है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात क्यों नहीं कर रहे होते आज आपको मेरे मेरे लिए लिए देखिए हमेशा से ये बहुत ही पुराने और बहुत पुराने साथी हैं और बहुत ही जबरदस्त आदमी भी है ठीक है

फिर आपके शेर अफजल साहब है ठीक है वो भी अपनी जगह पे है फिर शाम कुरैशी साहब आप क्या करेंगे सबसे बेगम साहब करेंगे, करेंगे? बहनों का क्या करेंगे पार्टी के अंदर हमारे वहां इमरान खान से शॉर्ट ऑफ सारे देखिए इस तरह है कि आप अपना आप अपने आप को असेस करते हैं मैंने एक मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कि लेट्स से आर्टिलरी वाले भी हैं और इन्फेंट्री वाले भी हैं और हर क्लास है मुझे उस वक्त एक और बंदा चाहिए जो कि एस वाला है वो स्पेशल फोर्सेज वाला है वो उस चीज़ के लिए बेस्ट है तो मैं उसको वहाँ इस्तेमाल करूँगा आज कल के अगर आप मेरी एनालिसिस करें जो मैंने देखा है अगर मैं आज कुछ बोलूँगा तो मुझे गायब होने के चांसेस काफ़ी हैं लेकिन अगर मेरी जगह मुझसे ज्यादा सख्त लैंग्वेज में एक लॉयर बोलेगा तो उसके ऊपर सिर्फ ज्यादा ज्यादा पाबंदी आ जाएगी उसके ऊपर बाकी चीजें नहीं होंगी ये मैं मेरी ऑब्जर्वेशन है गलत है या सही है मेरी ऑब्जर्वेशन है तो इस सूरत में मैं एक लॉयर को अच्छा लॉयर अपने आप को डिफेंड भी अच्छा कर सकता है उसको लॉ का पता है लॉ इज समथिंग विच एवरीबडीज इज अफ्रेड ऑफ ये याद रखिए लॉ इज साहब एक सवाल एक सवाल भी ले ले अभी जो जो जॉडा साहब बात कर रहे थे देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात इनकी तो चीख ठीक निकल रही है ना जब ये अभी भी टीवी पे ऑन एयर कह रहे हैं कि भाई किसतदान क्यों नहीं कोई और हम मतलब हमसे मुराद पार्टी में कोई और क्यों नहीं ट्रस्ट डिफिसिट है आपको ये लगा कि एक वकील ही जो है वो मुकदमे में बच भी सकता है अपने को बचा भी सकता है छब्बीस साल की उसमें एक सियासतदान भी ऐसा नहीं था कि जो खान साहब की सियासी जानशरीफ तैयार करता एक सवाल मेरा यह भी लेने ले साथ में दूसरी चीज यह है कि मैंने आपसे कहा ना, मैं तो गौर साहब की तारीफ कर रहा हूं बहुत अच्छी चॉइस है बड़े पढ़े लिखे आदमी है बड़े कॉम्पिटेंट बैरिस्टर है पाकिस्तान के और अच्छी बात है और एक मत इस तरह उठाकर ऊपर ला बढ़ा दें तो मैं तो अच्छा डिसीजन समझता हूँ लेकिन एक, एक तासर यह है कि दो ग्रुप्स हैं वकीलों का एक ग्रुप है पॉलिटिशियंस का एक ग्रुप है एक जो पॉलिटिशियंस का ग्रुप है उनको उनकी फैमिली में खान साहब की कोई और ऑपरेट कर रहा है जो लॉयर्स का ग्रुप है उन्हें उनकी फैमिली में कोई और ऑपरेट कर रहा है एक जनरल इंप्रेशन ये बना हुआ है कि ये दो ग्रुप्स भी इसलिए बने हैं कि पार्टी में जानशी का झगड़ा है ये जो आप बात करें ना आज के मैं शायद ज़्यादा बोलूँ और फंस जाऊँ

ये भी हो सकता था ना वो अपनी बहन को नॉमिनेट करते थे कर सकते थे ना पीपल्स पार्टी वालों ने किया है ना वो हमेशा वो कहते हैं उनको फरियाल ठीक है, है। नहीं नहीं मैं ये कहता हूं कि इट्स अ डिफरेंट चॉइस देन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बेटे को किया है अपने दामाद को किया है अपने उसको किया है इस जगह पे नून लीग वालों में हम वो क्या कह सकते हैं हुक्मरान खानदान के बाहर तो जा ही नहीं सकती ना

मतलब प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे है आप पार्टी की बातें उनसे पूछे आप मुल्क चलाने की बात उधर पूछ रहे हो दैट शोज वन थिंग दैट शोज वन थिंग हाउ You are. एक मसला ये हो गया है जो फैसल वाडा साहब भी बात कर रहे हैं हम भी ये बात कर रहे हैं कि वकीलों में भी देखें आपको देखें। खोसा साहब ने सुबह कोई और बयान दिया मैं ऐसा कुछ नहीं है फिर जाहिर अली साहब आए वो सारी टीम मिली वो अपनी जगह सारी चीज हो गई लेकिन एक पार्टी में यह तासर है इस वक्त कि ग्रुप्स बहुत ज्यादा बन गए शेर मरवा साहब तो अभी तक अपनी सफाई दे रहे हैं पार्टी स्पोक्स पर्सन ने तर्जुमान ने कहा कि भाई ये बात दुरुस्त नहीं है चेयरमैन वही है तो वो एक अजीब सी कंफ्यूजन पूरा दिन आपकी पार्टी की तरफ से वो सेम बरकरार रही है मैं आप जरा इस टॉपिक से थोड़ा मुझे आगे जाने एक बात कर दू एक छोटी सी बात देखिए मिसाल ये है जो जो तर्दी आई थी वो इस बात की नहीं आई थी कि वो नहीं होंगे वो तरदी आई थी कि अब एक फैसला नहीं हो जब फैसला हो जाएगा बता देंगे जो शेर अफजल साहब फैसला नहीं, कर लिया था नहीं, नहीं, नहीं कल फैसला कल रात में फैसला हो गया हो था लेकिन उसको सुनाने का एक तरीका होता है पार्टी का एक तरीका होता है उसने एक तरीका गलत बात उन्होंने सही की थी लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं वकील की बात है मैं बात बताता हूँ गोहर साहब या मैं हम लोग उस चांद की तरह जिसकी रोशनी उस सूरज से आती है Okay. वो सूरज इमरान खान है right. वो सूरज कप्तान है हम सिर्फ रोशनी को आगे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारी अपनी पोलिटिकल रोशनी नहीं है वही कर सकते हैं बाकी किसी को आगे सूरज... आने की जरूरत ही नहीं आ ही नहीं सकते पीरियड दे कांट इवन कम क्लोज टू बॉट एवर या उनके होंगे या उनके गुलाम होंगे जिन्होंने उनके कहीं ना कहीं उनके घर की खिदमत की है तो इलेक्शन क्योंकि तमाम जमातें इस वक्त इनकार कर रही हैं कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होना चाहिए फिर ये क्यों हवा में बात चल रही है कि इलेक्शन आगे जा रहे हैं देखिए कल के बयान तो बाएं लाज बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज़ ने आके कहा कि को हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं किसी की नई पार्टी बन रही है उसको चार महीने चाहिए किसी ने कराची से आवाज़ निकाली किसी पार्टी ने तो सारी पार्टियां इधर उधर से कनाया कनायों में बात बड़ी, बड़ी, है। बड़ी पार्टियां सब कह रही हैं कि होने चाहिए टाइम थी देखिए मेरी बात ये तो मेरा कसूर नहीं है ना कि अगर आप दौड़ में अकेले खड़े हैं और फिर भी दो दूसरे नंबर पे आए थे और आपको कोई मुख्या भी नहीं है तो मुझे तो ये कसूरवार ना बनाए ना वो पार्टियां जो इनका बड़ी पार्टियां कह रहे हैं वो दौड़ में अकेले भी हैं और फिर भी दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं रुकावट जुडिशरी बनेगी अगर पार्टियों का मान भी लें आधे चाहते हो आधे चाहते ना हो लेकिन जुडिशरी एक रुकावट सर मैं तो देखिए मैं तो एक हाइपोथेटिकल डिबेट कर रहा हूँ आपके साथ मेरा तो अपना मैंने कहा नहीं ऐसा कर दें भाई लेकिन जुडिशरी जो फिर सर देखिए ना अगर जुडिशियल सिस्टम हमारा इतना और जबरदस्त है आई एम श्योर कि वो इतने कॉम्पिटेंट भी होंगे वो मुल्क के जितने मसले हैं उनको भी हल कर देंगे तो दे शुड बी गिवन अ चांस व्हाई नॉट जुडिशल मार्शल लॉ लगा दे दें मार्शल लॉ लगा दे आप जुड़िशी को चांस देते हैं इस बार देखिए आप मेरे हाथ भी बांध रहे मेरे पैर भी बांध रहे मेरी आंखें भी बांध रहे मेरे कानों में गानों में सांस भी लेने दे रहे और मुझे कह कहें दौड़ के दिखाओ मैं मई कह रहा हूँ देखिए सर अगर आप ज्यादा कामयाब आदमी तो आप कर करें अगर ये तो ये कर करें मेरे लिए वो गदा घोड़ा और शहजादा बनने के लिए मैं उस कंधे पर चढ़ाकर तैयार हूँ जो मुझे रोटी कपड़ा मकान स्कूल कॉलेज बिजली के बिल रेंटल नौकरी सब दे दें मुझे वो निज़ाम के घोड़े नहीं चाहिए मेरे लिए वो गधे थे गधे हैं और गधे रहेंगे जिन्होंने इस मुल्क की नस्लों की नस्लें तबाह कर दी जिन्होंने महंगाई का पुरान ले जो 16 महीने में परफॉर्मेंस दी 16 सो महीने से पहले साढ़े तीन साल हमारी 35 साल बिगाड़ करने वाली so आना, आना चाहिए बैठे किस, किस अंधेरों की तारीखियों के अंदर हमें हमें कोई आसमानी ताकत या कोई अल्लाह तरफ से तो हमारा फरमान नहीं आया यही लोग चलाएंगे अस्सी साल के भाई पचहत्तर अस्सी साल के हो गए और पोते पोतियों से खेलो तस्वी पढ़ो गुना मरने का इंतजार करो जाओ उन्होंने हमारी पार्टी इतनी पॉपुलर है इलेक्शन हमने

नाजीन पी टी आई तो आगे आ गई थी मगर नौ मई को सामने रख कर पी टी आई के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अभी तक इन्हें इस बात का खौफ है कि कहीं इमरान खान की मंतख करदा वुकला की टीम जीत न जाए अभी तक पी टी आई के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है मगर आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान को ही नेक्स्ट वजीर अज़म देखना चाहती है नाजीन आपका इस बारे में क्या कहना है अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें नेक्स्ट वीडियो तक मुझे नहीं इजाज़त अल्लाह